दोस्तों, 13 साल की ग्रह की स्थिति, खास करके आपकी राशि के स्वामी की स्थिति बेहतर ना होने के कारण कई प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा था। क्योंकि दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी यानी कि 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह माने जाते मैं देव गुरु बृहस्पति, जो कि दोस्तों अब आपके लिए बेहतर होने जा रहे हैं, और दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है और आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे दोस्तों आपके जीवन के सभी दुख और तकलीफें जड़ से खत्म हो जाए और आपको सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति हो। इसके साथ ही दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपने कई बार आप परेशान हुए हैं, लेकिन दोस्तों आपकी सबसे अच्छा गुण यह है कि आपने हर परिस्थिति में ईश्वर को याद किया है, हनुमान जी को याद किया है। और दोस्तों, भगवान कभी भी अपने भक्तों को खाली हाथ अपने द्वार से नहीं भेजते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो दोस्तों आपका बेड़ा पार जरूर पार होगा, भले ही आपको वो चीज उसे समय ना मिली हो। लेकिन दोस्तों, हम आपसे सभी को बता दें कि जीवन कल की आपकी सबसे बड़ी सीख होगी कि जो भी कार्य आपके जीवन कल में हो रहा है उसे आप स्वीकार करें। सच्चे दिल से स्वीकार करेंगे तो दोस्तों महाबली हनुमान जी वह चीज आपको दे रहे हैं, तो आपको कोई छोटी सी वस्तु नहीं बल्कि आपके जीवन कल के लिए बहुत ही बड़ा पर विशाल चीज है। परंतु आपको यह समझना होगा, ध्यान से उन्हें जानना होगा, और दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन कल में कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होने वाला है जिनसे दोस्तों आपको बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त होगी। परंतु आपको सभी बातों को गौर से सुनना होगा। इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताने वाले हैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इन्हें सुन लेंगे तो यकीन मानिए, इस समय आपका जीवन बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको बता दें, ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी के जीवन कल में बरसेगा। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जानकारियां के बारे में बात करेंगे कि अगले 24 घंटे में ईश्वर के आशीर्वाद से और ग्रह की जो स्थिति है, जो उनका प्रभाव है, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में किस प्रकार से बदलाव होने वाला है, और दोस्तों आपके स्वास्थ्य में कौन कौन से सुधार करने वाले हैं, के साथ वीडियो के अंत में एक बड़ा ही खास उपाय के बारे में बताने वाले जो कि आप सभी के जीवन कल के कष्ट को दूर करेगा। तो दोस्तों सभी बातें आप अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी सच माता रानी के देख रहे हैं वो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मैन से जय माता दी लिख दे। माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। और दोस्तों लिए बात कर लेते हैं, इन दिनों में कुछ संभावनाएं बनने वाली है। कुछ लोग आपके कार्य में वादा डल सकते हैं, किंतु आपको बता दें कि आप इन सब चीजों को नजरअंदाज करके अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों आज आपका जीवन काफी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों आपको इसीलिए सफलता मिलने वाली है क्योंकि आपकी तरक्की को देख करके आपसे लोग जलते रहेंगे और आपको देख रही पाएंगे। आपको किसी ना किसी तरह से बहिनी पहुंचाना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में ऐसे आगे कैसे बढ़ रहे हैं, और दोस्तों आपको गड्ढे में गिरने की कोशिश भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दिए, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों आगे बताते हैं कि सामाजिक गतिविधि आपकी कैसे रहने वाली है। सामाजिक गतिविधियों के प्रति आपका कर्तव्य और योगदान रह सकता है। विशेष रूप से महिलाएं अपने कार्य क्षमता का प्रदर्शन कर सकती हैं और आप अपने प्रतिवाद द्वारा एक खास मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपके रुके हुए कम बन सकते हैं। आपको अपना ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है, यह आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरों के साथ में आप अपने कम को बांट सकते हैं, यानी कि आप कोई महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक कर सकते हैं। दोस्तों नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर ही रहना अति आवश्यक हो सकता है कि आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको सकारात्मक सोच रही नकारात्मक विचार देते हो। दोस्तों आपकी जीवन शैली ऐसे ही चलती रहेगी और आपको अपने नियम के अनुसार ही सब कुछ मिलने वाला है। दोस्तों आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। मैटेरिट का इस रिश्ता और मेल मिलावों का रिश्ता काफी अच्छा रहने वाला है, तो दोस्तों आपको अपने पुराने रिश्ते बेहतर बनाने का भी इसके साथ में मौका मिलेगा। पुराने रिश्ते द्वारा जागृत होने के कारण आपका जीवन अच्छे से चलने लगेगा, और दोस्तों बता देगी आप अपने लिए थोड़ा समय निकल लें, मैं इस समय असफल हो सकते हैं। यही आपको अवश्य ही लक्ष्मी और नारायण जी का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों आपको बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि अब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है और आपने जो सोचा है वैसा ही अब आपके साथ होगा।
और अगर दोस्त इस मौके को अगर आपने अपने हाथों से जाने दिया तो आपको केवल जीवन भर पछतावा ही होगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा ग्रह क्वेश्चन जीवन काल में दोबारा नहीं बनता जो एक बार बन जाए, और दोस्तों अपने पहले ही सोचा था कि आपके जीवन में मई और जून का महीना अच्छा जाए, लेकिन फिर भी यह महीने आपके अच्छे नहीं गए। पर दोस्तों परेशान ना हो, यह जो जुलाई का महीना है यह कुछ अलग है और इसी महीने में आपका जीवन बदलेगा। तो दोस्तों आपको बस यह कार्य करना है कि आपको यह बात किसी को भी नहीं बतानी है, और कुछ भी हो जाए पर आपको यह चीज किसी को भी नहीं देनी है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी बात है जो आपको नहीं बतानी है, और ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं देनी है? और अगर आपने जाने अनजाने अगर किसी को भी चुपचाप भी बता दे तो आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हो। हाँ दोस्तों, और इससे यही होगा कि आप अपने आते हुए लक्ष्मी को किसी और को दे देंगे, और फिर अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने यह चीज दे दी तो आपकी यह महीना नहीं आने वाले दो महीने और बुरी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यह सब ग्रहों का खेल होता है, और कब ग्रह पलट जाए हमें भी नहीं पता। तो हमारी आपसे यही विनती है कि आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको जो कुछ भी होगा सेटिंग बताऊंगा। और अगर आपको ज्यादा समस्या है तो आप कमेंट में अपना नंबर लिख दें, मैं आपसे पार्सल बात करूंगा और आपकी समस्या का उपाय बताऊंगा। और दोस्तों एक विनती और है, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य करना। ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे और आप आधी समस्या यही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको सब कुछ समय से पहले ही पता चल जाएगा। और दोस्तों आपको बता दे, ईश्वर जीवन में सबको एक मौका अवश्य देता है, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह कोई भी हो, लेकिन मौका सबको मिलता है। लेकिन जो मौके का सही प्रकार से इस्तेमाल करता है सफल जीवन में वही होता है, और जो आए हुए मौके को ठुकरा देता है तो उसका जीवन उसे ठुकरा देता है। दोस्तों आपको बता दे, इस समय में आपको जो भी छोटे मोटे मौके मिले तो उसे हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दे, क्योंकि क्या पता कौन सा मौका आपकी किस्मत बदल कर रख दे। और दोस्त तो हर मौके में ईश्वर होते हैं, और ऐसा कौन सा मौका है जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दे? और दोस्तों अगर आप ऐसे मौके को अनदेखा करेंगे तो आप अपनी किस्मत कौन देखा करेंगे? पर दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको यह चीज किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप यह जीते देंगे तो आप अपनी चमकती किस्मत किसी और के हाथों से में रख देंगे। और दोस्तों आपकी राशि में जो योग बन रहा है, इस योग के बनते ही आपके जीवन में अपने आप ही खुद ही बदलाव हो जाएगा। आपकी राशि में राज्यों का भी निर्माण हो रहा है जो आपको मानसिक शांति, परिवार, एक सुख और सुख समृद्धि, धन वैभव सब कुछ देगा। लेकिन दोस्तों इन चीजों में कुछ ऐसी चीज भी शामिल है जिससे आपको सावधान देना होगा। और दोस्तों आपने यह देखा होगा, जब जब आपके जीवन में खुशियां आती हैं तब तक कोई ना कोई बड़ी समस्या आ ही जाती है जो आपकी खुशियों को पूरी तरह नजर लगा देता है। और दोस्तों इसी कारण आप बहुत ज्यादा परेशान रह चुके हो, पर दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, अब आपका जीवन अवश्य ही बदलेगा, क्योंकि दोस्तों आपने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यह कोई भी हो, लेकिन अगर आपसे यह चीज मांगे तो आपको बोलकर भी उसे व्यक्ति को यह चीज बिल्कुल भी नहीं देनी है। और दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कोई भी चीज अगर हमें लाभ दे रही है तो हमें कभी भी ना उसे बेचना होता है, ना ही किसी को देना होता है, कितनी भी पूरी हो या फिर कोई कितना भी मांगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि कुछ चीजों से होता है जिससे हमारी किस्मत जोड़ी होती है, और जब वह चीज हमारे जीवन में आती है तो हमारी किस्मत पर बहुत अच्छी चलने लगती है। आपको बताने आपके जीवन में ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आ चुकी है। तो दोस्त तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपकी राशि में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और राज्यों का निर्माण बहुत बड़ा सौभाग्य वालों को ही मिलता है। कुछ ऐसी भी होती है जिनके आने से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बुरा होने लगता है, और हमें भी पता चल जाता है कि यह चीज सही नहीं थी। इसी कारण हमारे जीवन में इतनी समस्या आ रही है तो हम उसे चीज को अपने जीवन से निकाल देते हैं, और फिर हमारे जीवन पहले जैसे समान हो जाता है। तो दोस्तों कुछ चीज है जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो भेज दीजिए क्या है वह भी आपको बता दो।
जैसे अगर आप कोई नई गाड़ी या कोई कर खरीद रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है किसी के जीवन में कि बेकार शुभ हो है, तो इस कार्य के आने से ही हमारे जीवन में हमारा घर और दूसरे कार्य सब कुछ आ जाता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ हो जाती है और वह चीज हमें हर जगह शुभ होती है। पर दोस्तों, कुछ चीज ऐसी भी होती है, जैसे अगर कभी कभी कोई ऐसी चीज खरीद लो जिसका हमारे मन ना करे, लेकिन हम फिर भी बेमन से उससे खरीद ले, दुबई हमारी वह सबसे बड़ी समस्या बन जाती है और फिर हमारे लिए वही ठोकर मिलती है। और दोस्तों, आपको बताने आपको अवश्य ही कुछ अलग और अजीब लग रहा होगा, पर दोस्तों यह सच है। अब कभी किसी से पूछना कि आपकी जीवन की सबसे अच्छी चीज क्या है, तो वह कुछ ना कुछ बताया और उसके आने से उसके जीवन में सुख समृद्धि आई है। हाँ दोस्तों, तो कुछ चीजों से भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। और दोस्तों, आपको बता दे, आप वहां हर जगह पिघल जाते हैं जहां अगर कोई व्यक्ति आपके सामने अपने दुख रोता है और तब आप उसका दुख देखा नहीं पाते और वह व्यक्ति आपसे जो कुछ भी मांगे आपको से बिना सोचे दे बैठते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो भी जीते हैं सोच समझ कर दें और कब किस कौन सी चीज है, तो पहले उसे कई बार सोच ले। तो इसलिए दोस्तों, दान पुण्य भी करें तो केवल उसे ही करें जो लायक हो। और दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे को करते हैं जिसे कोई जरूरत ही नहीं है, तो वह हमेशा आपकी चीज की बगदरी करेगा। आपको बता दे, अपने मन की बात किसी को भी ना बताया करें, चाहे कोई आपका कितना भी खास करना हो, चाहे मैं आपका सफर मित्र हो या फिर कोई भी हो। तो दोस्तों, इसीलिए जीवन में अगर किसी को भी कुछ बताना हो तो बहुत सोच समझ कर बताएं, क्योंकि दोस्तों, जीवन में कोई भी अपना नहीं होता, केवल शव के अलावा। तो इसलिए आप जीवन में जो कुछ भी करें, बताएं तो सिर्फ ईश्वर को। और दोस्तों, जीवन में जो कुछ खरीदे ईश्वर का नाम लेकर, और अगर कोई चीज ऐसी हो जो आपका मन नहीं कर रहा हो लेकिन आप फिर भी खरीदते हैं, तो दोस्तों ऐसी चीज ना खरीदे बेईमान से जिससे वह चीज आपको हमेशा नुकसान दे। हाँ दोस्तों, क्योंकि जुलाई के महीने में आप ऐसे कुछ चीज खरीदेंगे जो आपको शुभ होंगे और कुछ अशुभ भी होंगे, तो इसीलिए पहले अपने मन की सुनी और जो आपका मन खरीदने का हो वही खरीदे, बेमन से कोई भी चीज ना करें। और दोस्तों, जो कुछ भी खरीदे उसका पूजन अवश्य कर ले, क्योंकि जीवन में पूजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।